एवरीवन, वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज मैं आपके लिए ये चिकन सूप की रेसिपी लाई हूँ। अगर मेरे वीडियोस रेसिपीज आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम चिकन सूप बनाएंगे। चिकन सूप बनाने के लिए 200 ग्राम चिकन को मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है और मैंने नॉर्मल चिकन के पीसेस लिए हैं, आप देख सकते हैं, और साथ में 2-3 बोनलेस चिकन पीस भी लिए हैं। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे, चिकन के गलने तक अच्छे से उबाल लेंगे। चिकन सूप में मैं चिकन के साथ ये सारी सब्जियां यूज़ करूँगी। एक गाजर को मैंने बारीक कट कर लिया है, एक शिमला मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है, थोड़े से फ्रोज़न कॉर्न्स लिए हैं मैंने, थोड़ी सी हरी प्याज को बारीक कट कर लिया है और बहुत थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, और मैंने 100 ग्राम बटन मशरूम लिए हैं और इसे अच्छे से धो कर कट कर लिया है। देखिए चिकन उबल गया है, चिकन के गलने तक मैंने इसको उबाला है। अब हम इसमें से चिकन को अलग कर लेंगे और चिकन में जो पानी बाकी है उसको अलग रख देंगे। चिकन को मैंने अलग कर लिया है, अब इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब हम चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इसकी बोन भी अलग कर लेंगे। देखिए मैंने चिकन को किस तरह से अलग से बारीक कर लिया है और बोन को भी अलग रखा है। चलिए सूप का तड़का लगाते हैं। मैंने एक कढ़ाई को पहले से गरम रख लिया है। एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पहले ये मशरूम डालेंगे। गैस के कम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें ये सब्जियां डालेंगे, गाजर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न तीनों डाल देंगे। इसको भी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अभी तक मैंने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है और सब्जियों को इस तरह से किनारे कर लेंगे और एक बड़ा चम्मच विनेगर डालेंगे। बड़े चम्मच से ही 1.5 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम बड़ा कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। देखिए सारी सब्जियां पक रही हैं। हमने ये जो चिकन स्टॉक को अलग रखा था अब इसको मिक्स कर देंगे। पूरा चिकन स्टॉक डालने के बाद ये जो लास्ट में बाकी है मैं ये नहीं डालूंगी। सब्जियों के पकने के बाद मैंने गैस का फ्लेम कम कर लिया था, अब दोबारा से बड़ा कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सब्जियों में हम ये बोन के पीसेस भी डाल देंगे। जब हम ये किसी को चिकन सूप परोसेंगे तब उसमें हम ये बोन के पीसेस नहीं देंगे। अब ये चिकन डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि सब्जियां अच्छे से गल जाएं। अब इसे हम ढक देंगे, 2 मिनट के बाद ओपन कर लेंगे। देखिए सूप तो अच्छे से पक रहा है पर इसका कलर अभी लाइट है, तो मैं और एक चम्मच सोया सॉस ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा से पकने देंगे। देखिए सूप तो पक रहा है पर सब्जियां गली नहीं हैं। मैं इसमें और 1 कप पानी ऐड कर दूंगी। ये 1 लीटर तक सूप बनेगा और सब्जियों को अच्छे से पकने देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसको दोबारा से ढक देंगे। एक दूसरी छोटी सी कटोरी लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1/4 कप पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, गैस का फ्लेम दोबारा से कम कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था ये डालेंगे। ये डालने के बाद अगर आपको लगे कि सूप बहुत ज़्यादा पतला है तो और थोड़ा कॉर्नफ्लोर मिलाकर आप डाल सकते हैं।
आप अपने हिसाब से सूप की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में हम एक हरी मिर्च को, मैंने 20 से 4 टुकड़े कर लिए हैं, काफ़ी लंबी हरी मिर्च थी, इसको डालेंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। ये बन गया हमारा चिकन सूप। चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। ये बन गया हमारा टेस्टी सा गर्मा गर्म चिकन सूप। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और इतनी अच्छी रेसिपी को एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें और अपनों में शेयर भी ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब इस पर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और ये सूप में हरी प्याज बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी हरी प्याज डालेंगे, चम्मच में थोड़ा सा ले लेंगे और पी लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े से नूडल्स भी डाल सकते हैं। नूडल्स को पहले उबाल कर बाद में मैंने इसे अच्छे से ड्राई करके फ्राई किया है और फ्राई करते समय मैंने लास्ट में थोड़े से ब्रेड क्रम्ब मिलाए हैं इसमें। मिलते हैं और एक अगली वीडियो में और एक ऐसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।